आलिया और रूही भी इस शादी से नाखुश है कि तभी फेरे हो जाने के बाद दुल्हन अपने चेहरे से उठाती है घूंघट, तो पूरी अय्यर फैमिली के चेहरे पर लौट आती है खुशी। यानी घूंघट के पीछे मिहिका नहीं इशिता थी। कहने का मतलब ये है कि एक बार फिर इशिता और रमन की हो गई है शादी। तो इशिता, आपसे जानना चाहेंगे कि मिहिका की जगह आपको देखकर भल्ला परिवार का क्या रिएक्शन होने वाला है? 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है सबको। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि घूंघट के अंदर मिहिका नहीं इशिता होने वाली है। एंड कोई ये भी नहीं सोच सकता कि मिहिका मेरे साथ मिली हुई है, जो कि सबसे बड़ा झटका होने वाला है सिम्बी और परम के लिए, बिकॉज मिहिका ने पूरी तरह से उन दोनों का भरोसा जीत लिया था। ऑडियंसेस बड़ी गालियां दे रही थी मेरी बहन को, बट दे डिड नॉट नो कि एक्चुअली इट वॉज ऑल प्लान्ड, ताकि इशिता वापस अपने घर अपने पति के साथ जाके रह सके। पहली वाली इशिता उन्हें भले ही याद नहीं, अपनी बीवी याद नहीं है, तो इशिता ने सोचा चलो पहली वाली बीवी याद नहीं तो मैं दोबारा बीवी बन जाती हूँ, अब ऑफिशियली आई विल गो एंड स्टे विद हर। इशिता, फाइनली इतने पापड़ बेलने के बाद आप एक बार फिर बन गई हैं मिसेज रमन भल्ला। तो भल्ला हाउस में जाकर आपका अगला कदम क्या होने वाला है? इशिता के लिए मेन एजेंडा यही है कि उसको रमन की याददाश्त वापस चाहिए, तो इसलिए उनकी वाइफ बनके उनके साथ रहना चाहती है इशिता, ताकि रमन कुछ कुछ मोमेंट्स देखे, शायद कुछ देख के कुछ पुरानी बात एकदम से याद आ जाए। एक तो वो एम्बिशन है, और दूसरा ये कि इशिता जस्ट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट रमन। इशिता को पता है कि सिमी परम वो लोग कुछ तो दवाई दे रहे हैं रमन को, जो कि उनकी उनके लिए बहुत घातक है, उनकी जान भी जा सकती है, और ये डॉक्टर्स कंफर्म कर चुके हैं। अब बाहर रह के तो इशिता पता नहीं कर पा रही, इसलिए वो अपने पति के साथ रहना चाहती, इसलिए इतना सारा ड्रामा किया उसने, सो दैट शी कैन जस्ट बी विद हर हस्बैंड। रमन से शादी हो गई, भल्ला हाउस में एंट्री करने का टिकट भी मिल गया, लेकिन पूरा भल्ला परिवार फिलहाल आपके खिलाफ है इशिता। फिलहाल परम और सिम्मी की साजिशों से रमन को बचाना ज्यादा जरूरी है, और ये काम आप भल्ला हाउस में रहकर अच्छे से कर पाएंगे।